राधे कृष्ण एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। सो गाइस, सुबह सुबह मैंने अपनी एक्सरसाइज और मेडिटेशन कंप्लीट किया, तो आज का व्लॉग भी हमारे लिए रेगुलर व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, ये बोरिंग है, बट कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं। हमें रोज सेम रूटीन फॉलो करनी है। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में ओट्स प्रिपेयर किया, अपनी चाय पी, उसके बाद साथ ही खाना भी प्रिपेयर कर लिया था। नहाने के बाद मैं निकल गई थी लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी का सेशन 12 से 6 था, जिसमें सबसे पहले मैंने करंट अफेयर कंप्लीट किया। और जून का महीना मेरे रूटीन के लिए थोड़ा ऊपर नीचे रहा था, मैं जून से बेटर मई को बोलूंगी। मई में मैंने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया था, जो मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो इससे बेटर था। जून में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ गर्मी की वजह से, जो तबीयत खराब हो गई, फिर आंखों में प्रॉब्लम हो गई, तो ये सब वजह से थोड़ा ऊपर नीचे रहा था, तो जिसे मैं अभी भी पे कर रही हूँ। हर रोज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। और मेरे जो ब्लॉग शेयर नहीं करने का रीज़न था कि अभी रिसेंटली मैंने अपने 30 दिन अकेले रहने के लिए कंप्लीट किया है, तो मैंने खुद को रिवॉर्ड देने के लिए मैं 2-3 दिन के लिए घर जाने की सोच रही थी। तो उसके लिए मैंने खुद को फिर एक टारगेट दिया था कि ठीक है, मैं घर जाऊंगी, बट ये कुछ टारगेट्स हैं इसे पूरा करने के बाद। तो उसमें करंट अफेयर था, क्योंकि करंट अफेयर में मेरे कुछ पॉलिटी के क्लास में मैं इतनी बिजी हो गई उसके नोट्स बनाने में, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में, और वो पिछले कुछ दिनों से भी करंट अफेयर छूटे हुए थे, तो मेरे करंट अफेयर पाइलअप हो गए। और ऐसे ही होता है ना, एक सब्जेक्ट आप करते हो, दूसरा छूटता है, तीसरा पकड़ते हो, मतलब ऐसा मैसअप हो जा रहा है अभी सब कुछ। बट कोई नहीं, धीरे धीरे कोशिश करके इसे मैनेज करेंगे, ऐसा सबके साथ होता है। मुझे लगता है कि तैयारी का पीरियड इज ऑल अबाउट मैनेजिंग थिंग्स। जब आपको सब्जेक्ट मैनेज करने हैं, फिर आप भूल जाओगे, फिर आपको याद करना है, फिर आपको वो मैनेज करना है, बस मैनेज ही तो करना है। तो यहाँ पे मैं अपने करंट अफेयर, मेरे टारगेट्स थे कि करंट अफेयर कंप्लीट करने का, देन पॉलिटी के जो बहुत सारे क्लास थे वो मैंने आपसे शेयर किया था वो कंप्लीट करने का, स्पेक्ट्रम कंप्लीट करने का, तो वो सारे प्रोसेस में मैं अभी हूँ। करंट अफेयर मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं अपने रेगुलर चीज़ों पे आ गई हूँ। और उसके बाद पॉलिटी के क्लास अभी एक दो बाकी है, नोट्स बनाते बनाते ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है, और उसके बाद स्पेक्ट्रम भी जारी है पढ़ना। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँगी, आई होप मैं कर पाऊँ। और उसके बाद अभी लाइब्रेरी से जाने का, थोड़ी देर पहले वापस आई हूँ लाइब्रेरी से, और अभी टाइम देखते हैं, तो 6 बजे निकली थी, तो अभी टाइम हो रहा है 6:18। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा छत पे इवनिंग वॉक करने, साथ ही सनसेट भी हो गया होगा, तो थोड़ी देर शाम में बैठते हैं छत पे और थोड़ा वॉक करेंगे, देन उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए वॉक करके आते हैं। सो इस ब्यूटीफुल से सनसेट के साथ पूरे दिन की थकान दूर हो गई, इतनी खूबसूरत सनसेट थी। और ये मेरा मी टाइम होता है, एक्चुअली मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो कभी कभी जब मुझे लिखने का मन होता है तो मैं ऐसे ही सनसेट में छत पे चले जाती हूँ और बैठ के जो भी मेरी फीलिंग्स होती है या इमोशंस एंड जो भी मुझे लिखने का करता है मैं वो अपने डायरी में लिख लेती हूँ। और उसके बाद मुझे सब्जियाँ खरीदनी थी और मैंने पानी पूरी खाए और सारे किचन का सामान, घर का सामान लेकर वापस आई। देन शाम की पूजा पाठ, सांझ बत्ती दी, और पूजा करने के बाद, ये सब करने के बाद लगभग 9-10 हो गए थे, तो मैंने आज करंट अफेयर का रिवीजन किया, जो ये मेरे जून के करंट अफेयर थे जो मैं सारा रोज लिख रही थी, डेट डाल के, और मैं उस दिन का करंट अफेयर सारा लिख लेती हूँ। तो मई और जून का मेरा रेगुलर है, और उससे पहले के लिए मैंने मैगजीन खरीदा था। और इसी के साथ खाने में भिंडी की भुजिया, आम और रोटी थी। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। राधे कृष्णा।